हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसेन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्ट की कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिकली हम समझेंगे कि टॉर्ट क्या होता है। तो दोस्तों, टॉर्ट होता है एक रॉन्गफुल एक्ट जिसके कमिट होने के बाद विक्टिम के लीगल राइट का वायलेशन होता है। इसके लिए विक्टिम टॉर्ट फीजर से उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। तो बेसिकली दोस्तों, टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग होता है जिससे कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लीगल राइट का वॉलेशन होता है। सालमन के अकॉर्डिंगली टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और जो व्यक्ति इस रॉन्ग को टॉर्ट को कमिट करता है उसको बोलते हैं टॉर्ट फीजर। तो बेसिकली दोस्तों, जब कोई टॉर्ट फीजर टॉर्ट कमिट करता है तो वो सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लीगल राइट को वॉलेट करता है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वह व्यक्ति जिसके लीगल राइट का वॉलेशन होता है वो टॉर्ट फीजर से उसके लिए क्लेम कर सकता है। सिविल केस फाइल करके, सिविल सूट फाइल करके वो टॉर्ट फीजर से डैमेजेस मांग सकता है। तो अब बेसिकली ये समझने की बात है कि ये सिविल रॉन्ग ही क्यों है, टॉर्ट क्रिमिनल रॉन्ग क्यों नहीं है। बेसिकली दोस्तों, सिविल रॉन्ग वो रॉन्ग होता है जिसमें किस सोसाइटी के किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लीगल राइट्स अफेक्ट होते हैं, ना कि पूरी सोसाइटी पर उसका फ़र्क पड़ता है। क्रिमिनल रॉन्ग में क्या होता है, क्रिमिनल रॉन्ग वो रॉन्ग होता है जिससे पूरी सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है। सपोज करो, एक एग्जांपल की तो समझते हैं कि सपोज करो कि अगर मैं किसी व्यक्ति के घर में, किसी भी एक्स वाई जेड व्यक्ति के घर में जाता हूँ बिना उसकी मर्जी के और उसके घर में जाकर उसकी स्विमिंग पूल को यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली उस व्यक्ति के लीगल राइट का वॉयलेशन होता है। हालांकि उसको कोई मॉनिटरी लॉस नहीं हुआ बट फिर भी उसके लीगल राइट का वॉयलेशन होता है कि उसकी प्रेमिसेस में बिना उसके परमिशन के मैं जाकर एंट्री लेता हूँ। और इससे सिर्फ उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लीगल राइट का वॉयलेशन होता है, ना कि पूरे समाज पर इससे कोई इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए दोस्तों, ये एक सिविल रॉन्ग है ना कि क्रिमिनल रॉन्ग। अगर मैं किसी व्यक्ति का मर्डर कर दूँ सपोज करो, तो इससे क्या होगा, इसका एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है पूरी सोसाइटी पर और फिर ये बन जाता है क्रिमिनल रॉन्ग। तो इसी तरीके से हम समझ लेते हैं कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है ना कि क्रिमिनल रॉन्ग। अब ये समझते हैं कि क्या सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट होते हैं। बेसिकली सिविल रॉन्ग का एक बहुत ही वाइड कॉन्सेप्ट है और टॉर्ट उसमें एक छोटा सा पार्ट है। सारे सिविल रॉन्ग टॉर्ट्स नहीं होते। सालमन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग बट बट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आर नॉट टॉर्ट। मतलब कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल रॉन्ग ही होता है बट उसको हम टॉर्ट में इंक्लूड नहीं कर सकते। इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों, ये समझते हैं। देखो, अगर टॉर्ट की विनफील्ड के डेफिनेशन को हम पढ़ेंगे तो विनफील्ड बोलते हैं कि टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी दैट इज ऑलरेडी एंड दैट इज प्राइमरली फिक्स्ड बाय द लॉ। मतलब कि बट तब कमिट होता है जब कोई व्यक्ति अपनी ड्यूटीज़ को ब्रीच करके किसी दूसरे व्यक्ति की लीगल राइट को वॉलेट करता है। ये ड्यूटीज़ कौन फिक्स करता है, ये ड्यूटीज़ फिक्स करती है लॉ। अगर कोई व्यक्ति लॉ द्वारा फिक्स अपनी ड्यूटीज़ को ब्रीच करके किसी दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट्स का वॉलेशन करता है तो उसको टॉर्ट बोलते हैं। अब ये समझते हैं कि टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से अलग कैसे होता है। दोस्तों, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, तोड़ता है, मतलब कि जो रॉन्ग डूअर है वो अपनी ड्यूटीज़ को वॉलेट करता, अपनी ड्यूटीज़ को ब्रीच करता है। बट यहाँ पर जो ड्यूटीज़ होती हैं वो उन पार्टी द्वारा ही फिक्स होती है, ना कि लॉ उनको फिक्स करता है। सेम ऐसे ट्रस्ट पर होता है। सपोज करो कि मैं आपसे, आप मुझसे जुड़े हुए हैं और मैं आपको एक अच्छा सा कंटेंट ना दूँ या मैं आपको अच्छे से ना समझाऊँ, तो क्या होता है कि मैं आपके ट्रस्ट को ब्रीच कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मेरी ड्यूटी होती है जो हम दोनों ने फिक्स कर रखी है कि मैं आपको चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाऊं। अगर मैं नहीं समझाता हूं तो वहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जनरेट होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्लियर है कि जब कोई ड्यूटी लॉ फिक्स करता है और उसको कोई टॉर्ट फीजर ब्रेक करता है, ब्रीच करता है या ऑमिट करता है जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के लीगल राइट का वॉयलेशन होता है, तो यहाँ पर टॉर्ट जनरेट होता है। और जब ड्यूटीज़ फिक्स हम पार्टीज ही आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके फिक्स कर लेते हैं और फिर वहाँ पर कोई व्यक्ति या कोई पार्टी उस ड्यूटी को ब्रीच करता है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है। तरीके से सालमन के डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली टॉर्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है और टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं होता है। टॉर्ट सिर्फ वो सिविल रॉन्ग होता है जिसमें ड्यूटी
जो टॉट फीजर की ड्यूटी होती है वो लॉ फिक्स करता है। दैट इज फाइनली हमने समझा टॉट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब समझते हैं कि टॉट को कमिट करने के लिए किन किन इसेंशियल्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले जो इसेंशियल है वो है रॉन्गफुल एक्ट। जब भी टॉट फीजर टॉट कमिट करता है तो वो एक रॉन्गफुल एक्ट करता है जिससे विक्टिम के लीगल राइट का वायोलेशन होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट। ये रॉन्गफुल एक्ट तब जनरेट होता है जब टॉट फीजर अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है। प्रोफेसर विनफील्ड के अकॉर्डिंगली टॉर्शियस लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब टॉट फीजर अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है और ये ड्यूटी ऑलरेडी लॉ फिक्स करती है, दैट इज ऑलरेडी फिक्स्ड बाय द लॉ। अब आते हैं दूसरे एसेंशियल पर। दूसरा एसेंशियल है रॉन्गफुल एक्ट के थ्रू लीगल राइट का वॉलेशन। विक्टिम के लीगल राइट का वॉलेशन यहाँ पर होता है जिसके लिए विक्टिम कॉम्पनसेशन क्लेम करता है। अब विक्टिम को अपने केस में ये प्रूव करना है कि उसके अगेंस्ट टॉट हुआ है, तो उसको ये प्रूव करना पड़ता है कि उसके लीगल राइट का वॉलेशन होता है। तो यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि बहुत भी विक्टिम के लीगल राइट का तो वॉलेशन होता है बट उसको कोई पर्टिकुलर डैमेज नहीं होता, कोई मॉनिटरी लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर दो मैक्सिम्स हैं। पहला मैक्सिम है इंजुरिया साइन डैमिनम और दूसरा जो मैक्सिम है वो है डैमिनम साइन इंजुरिया। इन दोनों मैक्सिम्स का क्या मतलब है इसको मैं एक आपको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर समझना जरूरी ये है कि विक्टिम के लीगल राइट का वॉलेशन होता है। नाउ कम टू द थर्ड एसेंशियल। द थर्ड एसेंशियल इज द कॉम्पनसेशन। अगर टॉट कमिट होता है जिससे विक्टिम के लीगल राइट का वॉलेशन होता है तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में विक्टिम कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द वॉलेशन ऑफ हिज लीगल राइट। सो ये तीन पर्टिकुलर इसेंशियल्स होते हैं जो विक्टिम को प्रूव करना पड़ता है अगर उसके अगेंस्ट कोई भी टॉट कमिट करता है टॉट फीजर। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टॉट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक थम्स अप दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम समझेंगे दोनों मैक्सिम्स के मतलब को डिटेल के साथ। पहला मैक्सिम होगा हमारा डैमनम साइन इंजूरिया और दूसरा जो मैक्सिम होगा इंजूरिया साइन डैमनम। क्लियर, टेक केयर, बाय बाय।